हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल है फ्रेंड्स 14 जुलाई 2019, और कल है वर्ग एक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें वर्ग एक जो पीजीटी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उनकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो कल 14 जुलाई 2019 के लिए जो व्याख्याता पदों पर जो भर्ती हो रही है, उन उसमें शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने लोगों से पूछ कर, और जो ऐसा कर चुके हैं उनको पूछ कर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करते रहूँ, और 9 नंबर पर आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइप कर दिया है। यदि आपने फॉर्म भरते समय, सपोज दैट अगर जब आप फॉर्म भर रहे थे, ठीक है, उस समय जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो उस समय आपने बाई चांस कोई भी जानकारी अगर आपने गलत दे दिया, जैसे जन्म तिथि, नाम में भरते समय कोई स्पेलिंग छूट गया हो, या किसी भी तरह का कोई भी गलती हो गया हो आपसे, तो आप उसको OMR शीट में सुधार सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप उसको OMR शीट में सुधार सकते हैं। और मैं इसको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ऐसे ना, एक मेरा दोस्त का भी ऐसे हो चुका है, और उसमें खुद कई महीना, लगभग 1-1.5 महीने पहले बात किया था, तो मैं उसको ऐसे पूछा था कि क्या सही में सुधार सकते हैं, तो उसने सच बताया था मुझे कि हाँ, मेरा गलत हो गया था व्यापम की परीक्षा में, जब मैं फॉर्म भर रहा था, इस परीक्षा में नहीं, कोई और परीक्षा में, तो उस समय मुझे सुधारने का मौका OMR शीट में मिल गया, और मैंने वहाँ जो निरीक्षक थे, जो वहाँ निरीक्षण कर रहे थे, है ना, जो पर्यवेक्षक थे, जो परीक्षा एग्जाम ड्यूटी जिनका था, उनके मैंने पूछ कर वहाँ अच्छी तरह से उसको सुधार लिया, जो मेरा सही सही जानकारी था। और भी इसके अलावा मैंने भी फेसबुक में भी कुछ लोगों से पूछा, व्हाट्सएप में भी, और कुछ लोगों से मैंने चर्चा करा, तो सभी लोगों ने यही बताया कि इसको आप सुधार सकते हैं, जो कि एकदम सही और जेन्यून जानकारी है फ्रेंड्स। अगर आप गलत हो गया था फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी, तो आप डेफिनेटली उसको सुधार सकते हैं OMR शीट में। यह केवल ना केवल शिक्षक वर्ग एक की परीक्षा की बात नहीं, आप व्यापम की किसी भी तरह की कोई भी जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें भी अगर आपसे गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो आप निश्चिंत रहें, उसे आप OMR शीट में सुधार सकते हैं, ठीक है। और ये जो जानकारी का जो स्रोत है, मैंने लोगों से पूछ कर, जो ऐसा कर चुके हैं उनसे पूछ कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। फिर भी से आप फॉर्म जब भर रहे हैं, तो आपका सही सही जानकारी देने की पूरी तरह से सावधानी आपको बरतनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपनी स्टडी जारी रखें। फिर भी कोई कमेंट हो, अगर डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी आप प्रवेश पत्र में जो भी जरूरी जानकारी दी गई है, उनको ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन दें, और समय से पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, किसी तरह का कोई किसी से विवाद में ना रहें, आप उस दिन अच्छे से एकदम कंसंट्रेट होकर एग्जामिनेशन लिखें। आई होप मैं जो बताना चाहता था आप उस समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।